ये जो है हम अलजी स्टडी कर रहे हैं, अलजी की क्लास जो है हम आइसो जनरेटिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो है हम एक्टोकार्पस को स्टडी कर रहे हैं। अब एक्टोकार्पस की टेक्सोनॉमिक पोजीशन देखें तो इसका किंगडम प्लांटाई है, डिवीजन फियोफाइटा है, क्लास आइसोजेनरेटी है, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स है, फैमिली एक्टोकार्पेसियाई है और जीनस जो है एक्टोकार्पस है। अब इसकी ऑकरेंस मतलब ये पाया कहाँ जाता है, सबसे पहले इसके नेम के मीनिंग देख लेते हैं। एक्टो का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब बाहर वाला, और कार्पस का मतलब होता है फ्रूट, मतलब जो एक्सटर्नल फ्रूट लाइक बॉडी होगी उसे हम एक्टोकार्पस कहेंगे। अब ये पाया कहाँ जाता है, तो ये समंदर में पाई जाने वाली ब्राउन कलर की अल्जी है और ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसकी कुछ स्पीशी फ्रेश वाटर में भी होती है। और फ्रेश वाटर में मेराइन का क्या मतलब है, मेराइन में साल्ट ज़्यादा होंगे, फ्रेश वाटर में साल्ट जो है ज़्यादा नहीं होंगे। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये लिटरल और सब लिटरल जोन में उसके किनारों की तरफ चट्टानों या पत्थरों से जुड़े हुए होंगे। अब लिटरल या सब लिटरल जोन का क्या मतलब है, जो सी शोर के करीब हो, मतलब जो समंदर की आबशार होती है ना उसके करीब जो रीजन होता है उसे हम लिटरल या सब लिटरल जोन कहते हैं। तो उसके साथ में जो कोस्ट होगा, मतलब किनारा होगा समंदर पर, समंदर का, उसकी चट्टानों और उसके मतलब उसकी रॉक्स और स्टोन्स, चट्टाने और पत्थर जो भी होगा उसके साथ जो एक्टोकार्पस ग्रो करेगी, ठीक है। और इसकी कुछ स्पीशी एपीपाइट्स होती हैं। एपीपाइट्स का क्या मतलब है, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं। और उन स्पीशी में कौन कौन सी आ जाती है, एक फ्यू केल्स आ जाता है और एक जो है लैमिनेरियल्स आ जाता है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये ब्राउन अल्जी है जो कि समंदर में पूरी दुनिया में पाई जाती है, इसकी कुछ स्पीशी फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और ये लिटरल और सब लिटरल जोन में स्टोन और रॉक्स के ऊपर ग्रो करेंगे। दूसरा, इसकी कुछ स्पीशी जैसे कि फ्यूकेल्स और लैमिनेरियल एपीफाइट है दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करेंगे। इसकी इसके बाद हम इसकी प्लांट बॉडी देखें तो इसकी प्लांट बॉडी मतलब इसका जो थैलस मतलब फॉल्स बॉडी है वो प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड यूनिसीरियड फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड मतलब जिस तरह रूट के स्ट्रक्चर फैले हुए नहीं होते वैसे इसकी बॉडी जो है फैली हुई होगी और ये यूनिसीरियड होगी, मतलब इसमें सिंगल लेयर होगी सेल्स की, ठीक है। और दूसरा, इसकी बॉडी हेटरोट्राइकेशियस है। हेटरोट्राइकेशियस का क्या मतलब है, मतलब ऊपर की तरफ एक इरेक्ट स्ट्रक्चर होगा और नीचे इसकी रूट लाइक ब्रांचिंग होगी जिसे हम कहेंगे कि ये इसका प्रोस्टेट सिस्टम है, ठीक है। तो इस सारे में हमने क्या देखा, इसकी ऑकरेंस देखी, टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखी, फिर प्लांट बॉडी का बताया कि ये प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड फिलामेंट्स में मुश्तमिल होगा और उसकी बॉडी जो है वो हेटरोट्राइकेशियस होगी, मतलब उसकी इरेक्ट बॉडी की होगी और नीचे ब्रांचिंग होगी जिसे इसका प्रोस्टेट सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसका प्रोस्टेट सिस्टम देखते हैं। इसका प्रोस्टेट सिस्टम क्रीपिंग मतलब जिस तरह कोई चीज़ रेंग रही होती है वैसे होगा और सेप्टेट होगा, मतलब वाल्स ने अलग किया हुआ होगा प्रोटोप्लास्ट और न्यूक्लियाई को, ठीक है। और ये इरेगुलरली ब्रांच्ड होगा, मतलब इसकी कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी। और इसकी जो एपिफाइटिक स्पीशी होंगी वो ज़ाहिर है होस्ट के अंदर चली जाएंगी उससे न्यूट्रिशन लेने के लिए, और जो इसकी फ्री फ्लोटिंग स्पीशी होंगी उसके अंदर ये प्रोस्टेट सिस्टम नहीं होगा। अब प्रोस्टेट सिस्टम क्या होता है, मतलब ऐसी ब्रांचिंग जो अटैचमेंट के लिए यूज़ हो, अब जो चीज़ ज़्यादा तैर रही है उसने कौन सी कोई अटैचमेंट करनी है तभी उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होगा, और ये सबस्ट्रेट के साथ जुड़ी हुई होगी राइजाइड के जरिए से, ठीक है। तो प्रोस्टेट सिस्टम में हमने क्या देखा कि इरेगुलरली ब्रांच्ड है, सेप्टेट है, ठीक है। फ्री फ्लोटिंग स्पीशी में ये पुअरली डेवलप होगा और इसकी एपिफाइटिक स्पीशी होस्ट प्लांट के अंदर जाएंगी अपनी न्यूट्रिशन लेने के लिए, और अटैच स्पीशी में ये जुड़ी हुई होगी राइजाइड्स के ज़रिए से, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका इरेक्ट पोर्शन देखें तो जो इसका इरेक्ट पोर्शन मतलब जो प्रोस्टेट सिस्टम से ऊपर आ रहा है उससे प्रोजेक्ट हो रहा है बाहर आ रहा है वो इरेक्ट सिस्टम होगा, ठीक है। और ये वेल ब्रांच्ड फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होगा और इसकी ब्रांचिंग लैटरल मतलब साइडों से अराइज होगी और ये ख़त्म होगी एक ख़ास पॉइंट पे जिसे हम उसका हेयर कहेंगे, ठीक है। और जो ओल्डर पोर्शंस होंगे ना एक्टोकार्पस के वो बाज़ोकात नीचे की डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ से आने वाली राइजाइड से कवर होंगे, ठीक है। और तो इस सारे में हमने क्या देखा कि ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम है जो कि प्रोस्टेट से अराइज होगा और दूसरा ये साइडों से मतलब लैटरल ब्रांचेस से जो है इरेक्ट सिस्टम इसका अराइज होगा और ये बाजू का ख़त्म हो गए खास एक्यूट पॉइंट पे जिसे इसका हेयर कहेंगे, ठीक है। और ये सेप्टा के नीचे से आएगा और जो इसके ओल्डर पोर्शंस होंगे ना बाजू का वो डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ से आने वाली राइजाइड से कवर होंगे। अभी आज मैं इसमें इतना डीप नहीं जा रही क्योंकि इसके सारे टर्म्स प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब ग्रोथ थैलस की इसकी कैसे होगी, मतलब इसकी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी। अब ग्रोथ जो है प्राइमेटिव मतलब इस पुरानी ब्राउन अल्जी में
वो हेयर जो है ना, मैंने अभी बताया एक खास पॉइंट पे एंड होगा जिसे हेयर कहेंगे, उसकी बेस से ग्रोथ होगी, ठीक है। मतलब इसका इसकी जो ग्रोथ है वो ट्राइकोथिलिक है, मतलब ये एक खास पॉइंट पे इसका इरेक्ट सिस्टम, जैसे ये है ना एक, ठीक है, ये खास पॉइंट पे इसकी सिस्टम एंड हो रहा है, तो इसे जो है हम हेयर कहेंगे। तो ग्रोथ कहाँ होगी? इस हेयर की बेस से होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके सेल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेल्स छोटे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, विड्थ कम होगी, और वो यूनि न्यूक्लिएट होंगे। अब जाहिर है उनमें सेप्टा है तो मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होंगे, सेप्टा वॉल्स होती हैं जो प्रोस्टेट और न्यूक्लियाई को अलग कर देती हैं, तो ये एक एक न्यूक्लियस पे मुश्तमिल होंगे। और इसकी सेल वॉल बनी हुई होगी पेक्टन से, सेलुलोज से और अल्गेनिक एसिड से। पेक्टन की वजह से इसकी मुलायम अपेयरेंस, स्लाइमी अपेयरेंस होगी। अल्गेनिक एसिड इसके अंदर जो मौजूद होगा वो एल्कन बनाएगा, जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मतलब जिसे बेच के हम पैसा कमाते हैं। अब रिजर्व फूड एक्टोकार्पस के अंदर मैनीटोल और लेमिनेरियल्स होगा, लेमिनेरियन स्टार्च होगी, ठीक है। अब पिगमेंट्स इसमें देखें तो वो बहुत से होंगे, क्लोरोफिल ए सी, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, लेकिन वो पिगमेंट जो कि इससे गोल्डन ब्राउन कलर दे रहा है वो फकोजेंथिन होगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीकों से होगी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जूस्पोर से होगी, और जूस्पोर दो चीज़ों से बनेगी, एक तो एक सेल स्ट्रक्चर से जिसे यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया कहेंगे, और इससे मतलब जो जूस्पोर बनेंगे वो सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे, और दूसरा डिप्लॉइड बायफ्लोजेनेटिक जूस्पोर से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जो कि मैनी सेट प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखें तो ओओगैमी नहीं होती, एन आइसोगैमी बहुत कम होती है, और आइसोगैमी इसके अंदर होती है। आइसोगैमी क्या होती है? जिसमें गैमेट्स का साइज सेम होता है। एन आइसोगैमी क्या होती है? जिसमें गैमेट्स का साइज डिफरेंट होता है। एन आइसोगैमी ओओगैमी क्या होती है? जिसमें साइज शेप दोनों डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें आइसोगैमी बहुत ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादातर होमोथैलिक होगा, मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे होंगे, यानी ये होमोथैलिक या मोनोइशियस मोस्टली होगा, और मोस्टली इसमें आइसोगैमी होगी, ओओगैमी तो होगी ही नहीं। और दूसरा इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ठीक है, मतलब स्पोरोफाइट बॉडी जो है दूसरी डॉटर जनरेशन के साथ जो है क्या करेगी, अल्टरनेट करेगी, और इसकी जो स्पोरोफ और वो जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो आइसोमॉर्फिक होगी। आइसोमॉर्फिक का क्या, आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिक मीन शेप, मतलब जो दो जनरेशन इसमें अल्टरनेट करेंगी ना उनकी शक्ल आपस में मिलती होगी। और एक और बात मैंने यहाँ पर बताई है कि इसकी जो स्पोरोफाइट बॉडी, स्पोरोफाइट मतलब इसकी जो प्लांट बॉडी होगी वो बेसिकली डिप्लॉइड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया, ये नीचे की तरफ देखें, इसकी जो ब्रांचिंग है वो प्रोस्टेट है, और इसे ये जो एक गोल गोल निकल रहा है ये इसका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये जो है इसका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया है, ठीक है, और ये जो बड़ा सारा है ये इसका प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है, ठीक है, और ये सारा इरेक्ट सिस्टम है, ये सारा प्रोस्टेट सिस्टम है, ये प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया, ये यूनि लोकुलर स्पोरेंजिया हमारे पास, ठीक है। तो ये एक्टोकार्पस की ना प्लांट बॉडी है, ये सारा हमने देखा एक्टोकार्पस का, पहले हमने इसकी टेक्सोनॉमिक पोजीशन देखी, फिर ऑकरेंस देखी, फिर इसकी प्लांट बॉडी का पढ़ा, फिर प्रोस्टेट सिस्टम, फिर इरेक्ट सिस्टम देखा, फिर इसकी ग्रोथ देखी, फिर इसका सेल स्ट्रक्चर देखा, फिर इसकी सेल वॉल, रिजर्व फूड, पिगमेंट्स, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एंड फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा।